कुटुंबासह उत्तर प्रदेशला लग्नाला गेलेल्या एका दाम्पत्याच्या घरावर चोरट्यांनी ताबा घेतला. ही घटना सिद्धार्थनगर टेका बडी मस्जिद जवळ दूध डेअरी चौक येथे घडली असून 12 लाखाच्या माल्यावर चोरट्यांनी हात साफ केला आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली असून पाचपावली पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 21 जून रोजी फिर्यादी शेख नसीम शेख, रशीद शेख वय 42 वर्ष, कुटुंबातील सर्व सदस्य मिरज उत्तर प्रदेश येथे लग्नासाठी गेले होते आणि ते 27 जून रोजी घरी परतले. दुपारी त्यांना दरवाजाचे कुलूप तुटलेले दिसले. घर अस्ताव्यस्त होतं. कपाटाच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले जुने सोन्या चांदीचे दागिने घरात नव्हते तर काही रोख रक्कम देखील गायब होती. फिर्यादीने घटनेची माहिती पाचपावली पोलीस स्टेशनला दिली. पोलिसांनी अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अंदाजे 12 लाखाचा माल चोरून नेल्याचं फिर्यादीने सांगितलं आहे. हमारे घर पे हम लोग 21 तारीख को शाम दोपहर 4 बजे के टाइम हम लोग यहाँ से अपने दोस्त की शादी में दिल्ली के लिए रवाना हुए. वहाँ से हम शादी के बाद 27 तारीख को शाम 6 बजे अपने घर पर रिटर्न वापस आए. हम जब वापस आए तो हमने अपने घर में देखा कि घर का गेट का ताला टूटा हुआ है. बाहर का गेट लॉक था, अंदर के गेट का ताला टूटा हुआ है और अंदर के गेट के ताले के ना सामान पूरा बिखरा हुआ है. ऊपर से हमारे घर के सामान, पहले ऊपर के दोनों बेडरूम के रूम के अलमारी और बाकी के जो भी दोनों बच्चों की अलमारी जितने भी थे उनमें से सामान, कीमती सामान जो सोना चांदी ये सब और नकदी क्या जितना भी घर पे था वो सभी चोरी हुआ है. टोटल मिला के हमारे बच्चों की जितनी भी सेविंग थी, जैसे सेविंग जो भी हमने हज उम्र के लिए रखा था, वो पूरी सेविंग मिला के 50,000 से लगभग 50,000 से 1 लाख के करीब कैश गया है. और सोना जो हमारा था, सोना चांदी जो भी हमने बच्चों के लिए ले लेके रखा था बच्चों की शादी के लिए, वो सोना भी हमारे घर से चोरी हो गया है.